आप सभी लोगों ने देखा था कि जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, ये पूरी तरह से एक तरह से काफी हद तक तो सफल हो चुका था, लेकिन जो पूरी तरह से सक्सेस होने की बात है, ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था। तो अब आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 छोड़े जाने की बात की जा रही है, तो जान लेते हैं चंद्रयान 3 परियोजना के बारे में क्या है। हाल ही में आपने देखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख ने पुष्टि की है कि चंद्रमा के लिए इसरो चंद्रयान 3 परियोजना पर काम कर रहा है और इसे 2021 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2021 तक इसे छोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। पहले चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर जरूर होगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही पुनः अभियान होगा। कहने का मतलब है कि जो फेल हो चुकी थी जहाँ, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 छोड़ा जाएगा। चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2020 के अंत तक एक अन्य अभियान चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते यह अभियान 2021 में लॉन्च किया जाएगा। 2021 में याद रखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आप देखते हैं 1969 में की गई थी। कब? 1969 में। ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम बात करें, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। कब? 22 जुलाई 2019 को। इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना थी, लेकिन लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर को हार्ड लैंडिंग की और अपने प्रथम प्रयास में ही पृथ्वी के उपग्रह की सतह को छूने का भारत का सपना टूट गया। यहां से एक तरह से कनेक्शन टूट गया था। हालांकि चंद्रयान 2 अभियान के तहत भेजा गया ऑर्बिटर अच्छा काम कर रहा है और जानकारी भी अभी भी भेज रहा है। ठीक है, चंद्रयान 1 के बारे में अगर बात करें हम लोग, चंद्रयान 1 को आप देखते हैं कि 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। इसे हाल ही में चंद्रयान 1 अभियान के ने कुछ चित्र भी भेजे हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग संलगता दिखाई देगा। यानी कि आप जंग जानते हैं, लोहे पर आप देखते हैं जंग लग जाती है। ठीक है, नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के द्वारा भेजी गई तस्वीरों के आधार पर कहा है कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की भी रक्षा कर सकता है। और याद रखिए, जो नासा है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चंद्रयान 1 के द्वारा भेजे गए आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी भी हो सकता है। तो याद रखिए, यही अतीन एक सामान्य जानकारी। ठीक है, अभी आपने देखा है कि इसलिए भी एक चर्चा में बना हुआ है क्योंकि आपने देखा है कि चंद्रयान 1 के द्वारा कुछ तस्वीर भेजी गई, उसमें देखा गया है कि जो चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग सा लिखता है, यानी कि एक जंग दिखाई दी है, उसके कारण भी ये चर्चा में बना हुआ था। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखना है, यही इनसे आपके वनडे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,